तो दोस्तों क्रेन उतार रही है, मतलब ये गाड़ी में लद कर आया है ये एक्सल। और ये एक्सल आप देखोगे, आप यकीन नहीं करोगे, ये एक्सल भी टूट सकते हैं। और ये स्पेशल ओवरलोड चलती है गाड़ी, और इसमें ये एक्सल इसलिए लगाया गया है कि मजबूती के लिए। लेकिन अगर आपको इसको शॉप पर जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी ये लगभग 100 किलोमीटर दूर खड़ी है और खुल कर आया है रातों रात, और अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं शॉप पर आया था, तो ये गाड़ी से उतर के, क्योंकि इसे उतारना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऊपर कुप्पे वगैरह लगे हुए थे, गिरने में खतरा था, चूड़ी वगैरह सब कुछ ऐसी था, चकनेट लगा के नहीं भेजे। तो इसको नीचे अब रेडे पर रखेंगे और शॉप पर लेके चलते हैं, और फिर वहाँ चलकर दिखाता हूँ आपको इसकी हालत। तो दोस्तों ये एक्सल है, देखो आपने आज तक एक्सल बहुत देखे होंगे, लेकिन इस एक्सल से ये उम्मीद नहीं थी, और ये रेडे पर लद के आया है, क्योंकि गाड़ी खड़ी है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, और मुझे रात फ़ोन आया था और एक्सल है ये क्रैक। बाकी आपको शॉप पर चल के दिखाता हूँ एक एक्सल की कहानी। अभी एक साल पुराना एक्सल है दोस्तों, नई ट्रॉली में ये एक्सल में ऐसे टूट गया। आ जाओ, ये लोड गाड़ी में से उतारा होगा, हाँ क्रेन से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ उतना ही आओगा दम। ये जहाँ खड़ी क्या मतलब एकदम झटका है, क्या हुआ क्या नहीं? झटका नहीं, नीचे देखो क्रैक था, ये पहले क्रैक था, ये हो रहा देखो। बट तो रात ही खोल दिया होगा, तो हाँ रात ही खोल गया था। और इन अच्छा इनमें तो यॉर्क के एक्सल हैं, इसी में लद के आया क्या? हाँ ये तो खाली है, खाली कर गए, बड़ी हुई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी गेट खोलते हैं, अंदर ले लियो ताऊ। हैं कितने वजन में? चलो 60, चलो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ये कमानी हो कह रहे क्या, इसमें घोड़े की? हाँ तो सुबह ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तो बहुत ऊंची होगी जो मैं करके भेजी, ठीक कर दी बस, ठोक के दम दिया था उसमें मैंने, मतलब कह रहे थे जी ये 60-70, मैं क्या तुम 90 भरी हो साला, वो तो सब हो जाएगा जिस टाइम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। ये टूटा तो काफी टाइम का होगा, लेकिन ये है कि कल एकदम लोड करते हुए बैठ गया है। हाँ बिल्कुल, दोस्तों ये देखिए ना, मतलब ये देखिए फूआ का एक्सल है ये, और लोवा कहते हैं बहुत मजबूत होता है, बताओ ये भी एक्सल गया टूट। दोस्तों पहले यहाँ से ये हल्का मोटा क्रैक था, और ये ताजा यहीं से टूटा है ये, और देखो 60-70 टन में गाड़ी चलती है, लेकिन अभी एक साल पहले ये एक्सल लगे हैं, ट्रॉली नहीं लगी थी। और बिल्कुल अब इसके नीचे देखें, आपको दिखाऊँगा आगे क्या करेंगे हम, और बताओ बिल्कुल अभी नया ही एक्सेल है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 मॉडल। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया रहना। तो दोस्तों ये गाड़ी, जिस गाड़ी का ये एक्सल है वो अब ट्रेलर है, और ट्रेलर जो बना था अभी 1-1.5 साल पहले ही बना था, और ओवरलोड के लिए बनाया गया था वो ट्रेलर, जैसा कि इनके मालिक ने मुझे बताया। और रात ही दोस्तों फ़ोन आया, क्योंकि गाड़ी ये खड़ी है दोस्तों, जहाँ से ये गाड़ी मतलब लोड होती है वहाँ पर रात को एकदम लोड किया, तो एकदम नीचे से टायर ओपन हो गए, तो जब नीचे से बाहर को निकले टायर, तो इनके मालिक का मुझे फ़ोन आया, अभी ऐसे ऐसे करके बात है, आप फ़ोटो देखो। तो इन्होंने दोस्तों मुझे WhatsApp पे फ़ोटो भेजी, मैंने कहा गाड़ी आ नहीं सकती किसी कीमत पर, ये आपको खुलवाकर ही भेजना पड़ेगा मेरे पास। दोस्तों इसका करेंगे परमानेंट ऐसा इलाज कि यहाँ से ये दोबारा टूटेगा नहीं। और दोस्तों जैसा मतलब फूवा के बारे में हमने यॉर्क के एक्सलों के बारे में सुना है ना, ये एक्सल वैसा खरा उतरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों बड़े आराम से हमारी प्रेस ने बिल्कुल इसको दबा दिया, जैसे टाटा वगैरह के एक्सल होते हैं नॉर्मल, क्योंकि हमने आज तक 70-80% ये देखा है कि दोस्तों जितने ये एक्सल होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। और ये देखिए बिल्कुल नीचे से फट चुका है ये एक्सल, लेकिन इसको बनाएंगे ओवरलोड के लिए। तो दोस्तों पहले तो इनके मालिक ने मुझे बताया भी ये चीज़ चल जाएगी, कोई दिक्कत होनी होगी सर, तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, देखो मैं गारंटी तो देता नहीं, लेकिन यहाँ से एक्सल नहीं टूटेगा अगर हम अपने हिसाब से वेल्ड करेंगे पूरा, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले उनके दिमाग में था कि कोई और एक्सल लें या उसको चेंज किया जाए, मैंने कहा एक्सल बहुत मजबूत है कोई नहीं, लेकिन दोस्तों ये मजबूती पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि जब इसको हमने जब इसको प्रेस किया, बाकी आपके सामने अभी प्रेस भी करेंगे, लेकिन ऐसे प्रेस हो गया जैसे मतलब नॉर्मल एक्सल होता है, क्योंकि इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है,
लेकिन पता नहीं टूट कैसे गया। अभी एक सवा साल पहले ट्रॉली बनी है, नए एक्सल उसमें लगाए गए हैं। अब पता नहीं कैसा लोहा है कैसा क्या है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। और दोस्तों इसको मिलाएंगे और उसको ओवरलोड के हिसाब से प्रेस भी करेंगे, और जितना ये अब क्रैक हुआ है इसको सारे को मतलब झाड़ना पड़ेगा सादे वेल्डिंग के साथ। अभी मैं वेल्ड नहीं कर रहा, अभी मैं उसको कटिंग कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कटिंग करने के बाद में, और उसके बाद इसमें क्या क्या करेंगे। आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, हमने एक्सल को मैंने जो गलाया है वो इसी हिसाब से गलाया है कि जब इसको हम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये बराबर हो जाएगा और मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है ये एक्सल, और इसको आप देखना बिल्कुल वीडियो के एंड में ऐसा कर देंगे बिल्कुल जैसा नया एक्सल आया था, बिल्कुल तसल्ली के साथ करेंगे ओवरलोड के लिए तैयार। अब दोस्तों ये देखिए, इसको भी प्रेस करने का हिसाब होता है, और ये देखिए हमने जो गलाया था अब इतना प्रेस किया जाएगा कि वो जो मैंने वेल्डिंग गलाया है वो बिल्कुल सीधा हो जाए और बराबर उसके आ जाए। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा और गलाना पड़ेगा क्योंकि ये साइड से जुड़ चुका है और ऊपर भी मिल चुका है, और अभी बैंड काफ़ी ज़्यादा है ये देखिए साइड से, तो उसको साइड से भी मैंने दोस्तों गला दिया है, और जितना मुझे बैंड करना है उसके बाद करने के बाद इसमें थोड़े बहुत टांके लगाएंगे और दो चार टांके लगा के इनको रोकेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना दोस्तों, मतलब बिना टांके के अगर हमने प्रेस तो कर दिया तो, लेकिन वो जो मुंह खुला हुआ है वो एकदम हम जब प्रेस छोड़ेंगे तो वापसी वहीं आ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हमें टांके लगाने पड़ेंगे। अभी आगे दिखाता हूँ, आप वीडियो में देखना।
और दोस्तों ये अब पूरा इस टाइम प्रेस हो चुका है और अभी दाब दे रखी है, तो अब इसमें करेंगे हल्का सा वेल्डिंग और सादा ही वेल्ड करेंगे। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि मिग वेल्डिंग में और सादे वेल्डिंग में क्या ताकत का कितना फ़र्क होता है, और दोस्तों अब आपको इस वीडियो के आगे दिखाऊंगा मैं और इसमें मिग वेल्ड का और सादे वेल्डिंग का कितना मजबूती का फ़र्क है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बता रहा था आपको सादे वेल्डिंग की जो कमजोरी है इसको रोकने के लिए मैंने साइड में से एक एक इंच और बीच में ऊपर की तरफ मतलब मैंने वेल्डिंग किया 1.5-2 इंच, और अब ये इसको हम पलटी करेंगे और एकदम ये वेल्डिंग जाएगा टूट। अभी दिखाता हूँ आपको अपने आप ही। अब दोस्तों ये देखिए, हम दूसरी साइड मतलब इसको प्रेस कर रहे थे और अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दो बार हमने ये सादे वेल्डिंग से टांग के मारे, मैंने कहा रुक जाए, और ये दोनों बार ये टूट गए। अब कई लोग पूछते हैं ये मिग वेल्डिंग में और सादे वेल्ड में ये फ़र्क होता है। ये देखिए, तीन टांके मारे थे और ये भी लंबा टांका मारा था, ये देखिए, और इसने अपने आप खुल गया। तो दोस्तों ये सादे वेल्डिंग का ये बड़ा फ़र्क होता है, और इसको मैंने और गला दिया है क्योंकि जितना मुझे प्रेस करना था वो हुआ नहीं था, और इसको ज़्यादा दबा के और उसके बाद लेकर चलते हैं मिग वेल्डिंग पर। तो दोस्तों असली काम यहाँ पर शुरू होता है हमारा, जो डंडा टूटा हुआ था, मुड़ा हुआ था और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, जैसे बिल्कुल लेवल में सब चीज़ नाप तोली करके A to Z। कई लोगों के दिमाग में होता है कि सर ये वेल्डिंग क्रैक, मतलब ये जो डंडा क्रैक हुआ है ये चलेगा या नहीं चलेगा। एक्सल आपका कैसा भी हो, वो अगर क्रैक हो गया है तो वो हमारा काम यही है। दोस्तों गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो हम उसी के लिए बैठे हैं तैयार, और इसको करेंगे अब बिल्कुल तसल्ली के साथ मिग वेल्डिंग। और अब आप इसमें चाहे 60 टन डालो, 90 टन डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे भी ये वेल्डिंग करने के बाद अभी दिखाऊंगा मैंने कैसा वेल्ड करा है। ये दोस्तों सादा वेल्ड नहीं है, ये मिग वेल्डिंग है, और इसको करने का भी हिसाब होता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि अगर आप नॉर्मल वेल्ड मार दोगे तो ये चीज़ रुक जाएगी, ये टूट जाएगा, लेकिन वेल्डिंग करने करने का तजुर्बा कह लो या वेल्डिंग करने का जो एक काम होता है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये जो वेल्डिंग करता है, वेल्डर है, उसे ये चीज़ का पता है। और इसमें दोस्तों अब मैं इसे कर रहा हूँ वेल्डिंग तीनों तरफ से, ऊपर से ही बचा हुआ था एक्सल ये, और वेल्डिंग करने के बाद आगे इसमें क्या हैवी सपोर्ट लगाएंगे जो 90 टन में ये एक्सल चलेगा। 100 टन भरो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर चलेगा, और ऐसी भी मजबूती इसमें करी जाएगी कि परली साइड से भी आगे इन फ्यूचर मतलब आगे भविष्य में वहाँ परली साइड से ये एक्सल ना टूट जाए, तो वो भी इसके लिए पूरी मतलब काम करा जाएगा, इसमें आगे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको दिखाऊंगा आगे मैं क्या करूँगा।
तो दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे मैंने वेल्डिंग किया ये देखिए आप, और तीनों तरफ से मैंने ऐसा वेल्ड कर दिया है कि ये ऊपर वाले की दुआ से देखो कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये यहाँ से वेल्ड मतलब कभी टूटेगा नहीं, एक्सल तो बहुत दूर की बात है, और बिल्कुल चौड़ा वेल्ड किया जैसे हमें करना चाहिए। और इधर एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए दोस्तों इसके नीचे लगाएंगे पत्ती, और वो पत्ती लेने के लिए मैं आया हूँ, और कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों पत्ती मैं ले आया था और ऊपर रख के देखेंगे इसमें साइज़ कितना छोटा बड़ा होना है, और क्योंकि इसमें टाटा एक्सलों की तरह शू प्लेट इसकी खुलती तो है नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर ही लगाएंगे क्योंकि वहाँ से गुल्ले की तरफ से कभी एक्सल कभी टूटता नहीं है, और बहुत रेयर चांस है कभी गुल्ला इसका वैसे टूटता नहीं है। और बस इसमें पत्ती देखकर थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा लेकर आया था, और इसको कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करनी है अभी आपके सामने, मैं मशीन पर हाइड्रोलिक प्रेस पर कटिंग करूँगा। वैसे तो दोस्तों अगर हम ऐसे वेल्ड करके ऐसे भी दे देते दिक्कत कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कहीं दूसरी साइड से ना टूट जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ कर देना जो इनके मालिक थे, तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, वैसे तो मैं इनको वेल्डिंग करके दे देता, लेकिन दोस्तों इधर की साइड से भी सपोर्ट हो जाएगी और पल्ली साइड से जहाँ से ये बिल्कुल सही है एक्सल, और वहाँ से भी इसको नीचे पत्ती पूरे पे लगा दी है हमने, और सपोर्ट हो जाएगी डबल, और हमने वेल्ड भी कर दिया, पत्ती की भी सपोर्ट हो जाएगी। और कई लोग कहते हैं जी पत्ती लगने के बाद भी एक्सल टूट जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, और लेकिन वो दोस्तों पत्ती वेल्डिंग करने का हिसाब होता है, हर एक बंदा जैसे हम पत्ती करते हैं हर एक बंदा ऐसे पत्ती नहीं करता, लेकिन चलो ये तो मैं क्या बताऊँ, ये हर बंदे की अपनी अपनी नॉलेज है, लेकिन जो हम पत्ती करते हैं ऊपर वाले से डर के कहते हैं आज तक कभी कोई एक्सल टूट के नहीं आया जो हमने वेल्ड कर दिया। और दोस्तों कई लोग के मुझे मैसेज भी आते हैं, लेकिन चलो वो तो मैं पढ़ता नहीं ऐसे मैसेज, ना हमारे कोई दिक्कत की बात है, जो हमने काम करना है हम करेंगे ही। कई लोग कहते हैं जी आप अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं, तो भैया हमें काम आता है, तारीफ़ तो हम खुद करेंगे ही, और आप जैसे लोग हैं कि वो देखते हैं बैठ के हमारे से सीखते हैं और हम ही बता रहे हैं कि आप अपनी तारीफ़ खुद करते हो, तो जो हमें काम का पता है इतने टाइम से। और देखो दोस्तों सारे तरीके के लोग होते हैं, प्यार करने वाले भी और जिनकी जलती है, और वैसे भी लोग होते हैं, तो चलो खैर कोई बात नहीं, हमने जो काम करना है वो ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाला हाथ होना चाहिए, ठीक है ना, वाहेगुरु को हाथ चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, और एक्सल को हमने कर दिया मजबूती के साथ वेल्ड, और बिल्कुल एंड वाली जो पिक्चर है वो भी आपको दिखाऊंगा, पिक्चर से मतलब है कि जब ये एक्सल पर पूरी पत्ती वेल्ड हो जाएगी तब आपको एंड वाली दिखाऊंगा। और ये दोस्तों एक्सल जाएगा उसी गाड़ी में और क्रेन से लदेगा रखा जाएगा, ये हाथों से उठा कर रखेंगे जैसा भी है, वो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों आप ये देखिए एक साइड से हमने मिला के और वेल्ड करा, अभी टांके मारे हैं, अभी इसको वेल्ड करेंगे प्रॉपर, और अभी पूरी पत्ती वेल्ड करनी है। और तो लाइट चली गई थी, मैंने कहा चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ, और लाइट आएगी इसको प्रॉपर पूरा तसल्ली के साथ करेंगे वेल्डिंग।
और दोस्तों कई लोग ऐसे हैं हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खुद अपनी तारीफ खुद करते हैं। देखो अपने हाथ में हुनर होगा ना तो आदमी कुछ घबरा के तारीफ नहीं करेगा अपनी, बिल्कुल शौक से करेगा। जिस बंदे के हाथ में हुनर होता है ना दोस्तों, हमें ये हुनर हमारे फादर साहब से मिला है, तो ये चीज़ ये नहीं होती किसी को बता दिया या कर दिया, वो हाथ में हमारे हुनर है, हम करके बताएंगे। जो ये ड्राइवर लोग हैं, जितने भी अपने ट्रक मालिक हैं, इनको पता है भी गाड़ियाँ हमारा काम करने के बाद कैसी चलती हैं। बाकी हमको प्यार करने वाले भी दोस्तों बहुत हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें कमेंट करते हैं। और ठीक है दोस्तों, बस इसको वेल्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके भी एक्सल वगैरह टूट जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं, तो आप वेल्डिंग करते हैं फिर भी टूट जाते हैं, तो आप हमारे से संपर्क करिए। मतलब एक्सल हो, आपका फ्रेम हो, कैसा भी वेल्डिंग हो, कैसा भी क्रैक हो, सब चीज़ चलती है, लेकिन वेल्डिंग करने का तजुर्बा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने वेल्डिंग करवा लिया और फिर भी उसके बाद टूट रहा है, ऐसा नहीं होता। फ्रेम हो, एक्सल हो, कोई भी चीज़ हो, आपने वेल्डिंग करवानी है, आप हमारे से संपर्क करिए। आप देखते ही हैं बाकी हमारी वीडियो को, प्यार भी बहुत देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। तो दोस्तों आपने देखा हुआ एक्सल जो आया था हमारे पास खुल के, बिल्कुल रेडी कर दिया, बट ठिप्पे वगैरह वेल्ड हो रहे हैं। और तसल्ली के साथ बोलो दोस्तों, लोग बाग इस एक्सल को लगाते हैं कि हमें ओवरलोड चलना है, गाड़ी ये चलती है 70 से 80 90 टन में ओवरलोड ही चलती है। और मतलब खुल के आया है ये एक्सल, यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर खड़ी है गाड़ी। और मतलब आदमी इसीलिए लगाता है कि ये एक्सल हार्ड है, हैवी है, बढ़िया है। लेकिन बताओ इसकी भी पोल खुल गई एक्सल की, ये भी हुआ एक्सल। लेकिन दोस्तों हमने भी कई एक्सल देखे हैं, लेकिन उसमें हार्डनेस बहुत होती है एक्सलों में, लेकिन ये एक्सल तो मतलब जैसे टाटा के एक्सल होते हैं ना, मतलब नॉर्मल, ये एक्सल ऐसा बड़े प्यार से दब गया, मतलब नहीं तो इतने हार्ड होते हैं, हमें प्रेस करने में भी मतलब बंदे की जान निकल जाती है। और लेकिन ये बड़े आराम से दब गया। चलो खैर कोई नहीं, लोहे लोहे का फ़र्क होता है। बाकी आपकी क्या राय है, अपना जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना आपकी जो राय है। और एक्सल है कम्प्लीट, एक्सल दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आपकी क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना। मतलब लोग बाग लगाते हैं ओवरलोडिंग के लिए, लेकिन ओवरलोड में इस एक्सल की खुल गई पोल। अब पोल क्या खुली बताओ, इतना हार्ड होता है, बहुत रेयर चांस है, 100 में से कोई 2-4 एक्सल ऐसे होते हैं जो क्रैक हो जाते हैं, लेकिन ये एक्सल आदमी मजबूती के लिए लगाता है, लेकिन ये मजबूती के लिए एक्सल ये भी मतलब क्रैक हो गया बताओ, और वो भी पोआ का एक्सल। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताना। और बिल्कुल ऐसे ओवरलोड के लिए हमने तैयार किया, वेल्ड भी किया, और सादा वेल्ड दोस्तों आप इसमें रुकेगा नहीं, वो मैंने आपको दिखाया ही था। मतलब दो बार टांके लगाए
प्रेस करते वक्त, और वो भी मजबूत वेल्डिंग के साथ देखे, लेकिन वो दो मिनट के बाद ही अपने आप ही वहाँ से टूट गए। अब दोस्तों एक्सल तो रेडी हो चुका है और ड्राइवर साहब कहने लगे इस गाड़ी में लेकर आए थे, उतारा तो दोस्तों क्रेन से था, लेकिन अब ये कह रहे हैं डाला खोल देंगे और पीछे से उठा के रख देते हैं। मैंने कहा भैया देखो इतना रिस्क मत लो, कह रहे एक बार देख लो, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो। मैं कहा भैया रिस्क हो जाएगा अगर वो डाला मतलब देखो दोस्तों नीचे से ऊपर को खुलता है, ये नीचे से खुलेगा और पूरा ये ऊपर उठाएंगे जैक को। अब मैंने कहा इतना रिस्क मत लो। हाँ रहने दो, रिस्क ना लो, कोई चक्कर नहीं, प्लेन चीज है, दो मिनट में खिसक जाएगा नीचे, गर्दन आई किसी की वो अलग। चल 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 जान दे, ले रेडा ले अंदर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। नहीं आगे को भी दिक्कत है, आगे दिक्कत है, ऐसे होनी चाहिए ना आगे तो। चलो कोई नहीं बैठो, तुम जब आओगे फोन करके आई वाली शेर भाई, कह रहे थे तुम्हारे सेठ जी, ले जाओ ले जाओ। तो दोस्तों ये कमानियाँ होनी है, बिल्कुल कमानियों में दम नहीं है, और ये कह रहे एक चक्कर लगा के फिर आएंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा दबती है, क्योंकि इनकी हमने दूसरी गाड़ी की कमानियाँ करी थी और उससे ये खुश हैं। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी वीडियो में। ये है दिल्ली देहरादून हाईवे और यहाँ पर दोस्तों ये आ गई गाड़ी, और यहाँ पर क्रेन खड़ी है, क्रेन उठाकर इस पर रखेगी आराम से, कोई रिस्क नहीं होगा इससे। चलो अच्छा त्यागी, अच्छा जी।